हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आप देख रहे हैं NR इंडिया न्यूज YouTube चैनल। बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रखंड कार्यालय महुआ वैशाली के 91 नियोजित शिक्षकों को कर रही है अनदेखा। वेतन के अभाव में दर दर भटकने को तैयार। नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर बहुत सारी कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलना एवं कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक स्थिति चरमराए ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सरकार के द्वारा नियोजित प्रखंड टीचर का वेतन कोरोना में लगा दिया गया हो। मंत्री ही नहीं सुनते तो अधिकारियों का क्या कहना। 28 से 29 माह का शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने पर बन गई भुखमरी के कगार। 29 माह का शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने पर आत्मदाह करने का लिया गया निर्णय। वेतन के इंतजार में आश लगाए एक शिक्षिका की भी हुई थी मौत। आज तक वेतन मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जबकि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा जांच किया गया। जांच उपरांत अभी तक वेतन मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण सभी शिक्षकों का आर्थिक स्थिति अधिक दयनीय हो गई है और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जब से आपने ज्वाइनिंग किया है, ज्वाइनिंग के बाद आज 28 से 29 महीने हो चुके हैं, अब तक आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? ये 2008 की बहाली थी जो किसी कारण 8 में ना हो सकी और 18 में बहाली हुई। 2018 में 16 अप्रैल को हम लोग स्कूल में ज्वाइन किए, उसके बाद हम लोग का पेमेंट नहीं मिला तो हम लोग ब्लॉक और बीओ के यहाँ गए। वीडियो से भी हम लोगों ने ये अपना सूचना दी कि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है। फिर बीओ के यहाँ भी गए तो लोग बोले कि आप लोगों का मामला अभी न्यायालय में है, डायरेक्टर के यहाँ है, जाँच आने के बाद आप लोगों का पेमेंट किया जाएगा। इस तरीके से करते करते 24 से 25-26 महीने हो गए और हम लोग का भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग भुखमरी के कगार पर है और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ तक कि हम लोगों को अपने भरण पोषण के लिए इसी तरीके से 2-4 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी को अपने व्यतीत कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं विभाग से और सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उसको विचार करते हुए हम लोगों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि हम लोगों को समय पर भुगतान हो और हम लोग अपनी ज़िंदगी को और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सही तरीके से व्यतीत कर सकें। एक और नियोजित टीचर को सरकार के द्वारा से वेतन नहीं दिया गया, दूसरी ओर कोरोना महामारी को लेकर सरकार कोरोना पे इतना खर्च कर रही है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आपका वेतन सरकार उस मद में खर्च कर रही है जो अब तक आपको नहीं दिया गया? अब सरकार पैसे को कहाँ खर्च कर रही है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस महामारी में भी हम लोगों को पेमेंट नहीं हुआ और अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं है कि पेमेंट होगा। ये आप कैसे कह सकते क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे कि सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार लेटर के अनुसार उसके बाद मैं आप लोग को ज्वाइनिंग भी दूंगा, वेतन भी दूंगा, पर ऐसा तो अब तक हुआ नहीं। ज्वाइनिंग तो दे दिया गया, वेतन तो नहीं दिया गया। वेतन को लेके कहां कहां तक किस किस वरीय पदाधिकारी तक गए और वरीय पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला गया? हम लोग वीडियो से लेकर बीओ और डायरेक्टर तक डीपीओ साहब तक गए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम वेतन के भुगतान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो आप लोग उससे ऊपर अधिकारी के पास जाइए। हम लोग अपने किसी भी चैनल के माध्यम से या जिसके माध्यम से हुआ हम लोग अपना मैसेज पहुँचाए, इसके बावजूद भी हम लोगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और हम लोगों का समय पर समय निकलता जा रहा है और लोग वो लोग समय लेते जा रहे हैं और भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि सरकार से हमारी अपील है कि हम लोगों पर और इस महामारी में, इस भुखमरी के हालत में हम लोग पर विचार किया जाए और हम लोगों को पर ध्यान दिया जाए कि आखिर हम लोग इस 25-26 महीने से अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं या आगे कैसे गुजारेंगे। जब से हम देवी विद्यालय जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, जो हेड मास्टर का आदेश होता है उस आदेश का पालन करते हैं और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं विभाग से अपील करूँगा कि इन सारी बातों को देखते हुए हम लोगों को 91 शिक्षक जो हम लोग भुखमरी के कगार पर है, इन पर विचार किया जाए और हम लोगों का भुगतान का कोई रास्ता निकाला जाए।
अपने शिक्षा के अपना ब्याह किस प्रकार से कर रहे हैं, वेतन नहीं मिलने के में। अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, चुनाव को लेकर शिक्षा का क्या आक्रोश है ये थोड़ा जानते हैं दो शब्दों में। सर अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, आपका वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम लोग तो कर्मचारी हैं, अपने प्रधानाचार्य का अपने सीनियर पदाधिकारी का तो कहना मानना ही मानना है, लेकिन भीतर से बहुत दुखी हैं। हो सकता है हम सरकार के इंगेस्ट में हम लोग वोटिंग करेंगे और क्लियर रूप से कोई चोरी छुपी नहीं, यहाँ तक कि विधानसभा में भी क्वेश्चन कराया गया, उसमें भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नियोजन इकाई से पेपर मांगा गया है, नियोजन संबंधी मिलते ही पेमेंट की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी, जो कई एक बार मैं उपलब्ध कराया नियोजन कमेटी से रिक्वेस्ट विनती करके कि मेरे नियोजन संबंधी जो भी कागजात है यहाँ से राज्य तक पहुँचाया जाए, और पहुँचवाया, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ जांच के नाम पर हम लोगों को छला जा रहा है और सारे लोग का स्थिति एकदम अत्यंत दयनीय हो गया है।